ये देखो यार, दांत टूट गया अम्मी। सो भाई, टैलेंट तो मुझ में इतना है इतना है इतना है कि खुद की जिंदगी झंड हुई पड़ी है, फिर भी लोगों को। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। मैं भी बहुत अच्छी हूँ एंड वेलकम बैक टू टियाज वर्ल्ड। क्या हाल चाल है। सो वी आर हियर फॉर चांद रात। जी हाँ, आज चांद रात हो चुकी है और चांद रात का सारा कार्यक्रम शुरू हो चुका है घर में। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या चल रहा है। देखो भाई, तो गाइस यहाँ पर ये देखिए, ये सब कुछ हो रहा है। सभी के घर में होता होगा आई एम श्योर चांद रात के टाइम पे। और यहाँ पर मैं ये बादाम पिस्ते वगैरह चीज़ें काट रही हूँ, तोड़ रही हूँ, तो दिखाती हूँ मैं। तो भाई देखा, जैसे कि आपने ड्राई फ्रूट्स वगैरह की कटिंग शुरू हो गई है, जो कि आई एम श्योर सबके घर में होती होगी इस वक्त। कहीं चावल भिगाए हैं अम्मी ने, कहीं कुछ करा है, कहीं कुछ करा है, और हमसे भी लगातार काम करवा रही हैं। और अभी रात के 1 बज रहा है एंड आशी और हसीन दोनों मार्केट गए हैं, क्योंकि आज चांद रात है तो मार्केट तो पूरी ओपन रहने वाली है सारी रात, कोई नहीं सोने वाला, सुबह फजर तक खुली रहेगी। तो वो दोनों मार्केट गए क्योंकि मेरा एक ना दुपट्टा नहीं मिला था ईद की ड्रेस के साथ का, तो मैंने उन्हें दोबारा से भेजा है, आई एम श्योर मिल जाए मुझे। बड़ी मुश्किल से गए हैं दोनों, हालांकि आशी बहुत एक्साइटेड थी जाने के लिए। तो आप बताइए, आपके वहाँ भी तैयारियाँ चल रही हैं। से आ चुकी है आशी और हसीन, और ये सामान लेकर आ चुके हैं। तो मैं दिखाती हूँ मेरा दुपट्टा लाए हैं। लिया है मेरा दुपट्टा? दिखा मेरा दुपट्टा कैसा है। ओह हो, ये तो बिल्कुल में ले 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 कहाँ था अम्मी, उसके पास नेट में नहीं था, शिफोन में था, शिफोन वाला था। मुझे शिफोन में चाहिए नहीं था, जब नेट में मांगा था तो मैंने नेट में भी दिखाया। वो कह रहा था, देखो बाजी आप शिफोन का ले जाए, सस्ता है। मैंने कहा नहीं भाई जान, शिफोन में नहीं चाहिए। शिफोन में नहीं चाहिए तो मुझे चाहिए नेट में ही था। पर कितना प्यारा लग रहा है ना अम्मी, बिल्कुल मैच हो गया यार, तुम दोनों बिल्कुल मैचिंग लेकर आए हो। थैंक यू। तो जी फाइनली मेरा दुपट्टा मिल गया है और अब मैं सुबह को आराम से अपनी फेवरेट ड्रेस पहन सकती हूँ, जो कि मैंने ईद के लिए बनवाई है। और वो तो आप ईद के ब्लॉग में ही देखेंगे कि मैंने कौन सी ड्रेस बनवाई है। एक्चुअली बनवाई नहीं है, मैं उसे बहुत टाइम से चाह रही थी कि मुझे मिले। और यहाँ पर ना गुलशन मुझे ऐसे आँखें फाड़ फाड़ के देख रही है कि मैं मतलब अपनी ड्रेस के बारे में बात कर रही हूँ तो अभी तक गुलशन का जिक्र क्यों नहीं आया। और मैं बताती हूँ वो किस लिए, क्योंकि जो मैंने ड्रेस मंगवाई है वो ड्रेस मैं काफ़ी ढूंढ रही थी मार्केट में, मुझे कहीं नहीं मिली थी अपने आसपास। और मैंने जब ऑनलाइन सर्च किया तो मुझे ऑनलाइन भी नहीं मिली, बट गुलशन ने मेरी खातिर ऑनलाइन सर्च किया। लगातार लड़की लगी रही, साइडें देखती रही, शॉपिंग साइट्स, एंड फाइनली उसे मिल गया बिल्कुल वही जो मैं मांग रही थी, एंड उसने मंगा भी लिया। एंड पता है सबसे अच्छी बात क्या है कि ये जो मेरे कपड़े हैं ये दूर शहर से आए हैं, ये यहाँ से नहीं आए। बहुत मतलब सुबह को ही बताऊंगी मैं कहाँ से आए हैं, बट ये ऑफ कोर्स गुलशन ने बहुत मेहनत करी मेरे लिए, एंड थैंक यू गुलशन, लव यू बेबी। और इसने मुझसे पैसे भी नहीं लिए, सबसे अच्छी बात ये है, इसके लिए डबल आई लव यू बेबी। फ्री में मिल गया मुझे। और क्या क्या लाए हो भाई तुम? ये क्या लाई है, ये बैंगल? बैंगल क्यों लेकर आई है भाई? ये तो किसी की मैचिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज। अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंट मेहंदी भी लेकर आई है। तीन टाइप की। और लगाएगा कौन इसे? तो हमें कौन लगाएगा फिर मेहंदी? मुझे नहीं पता, बाहर जाके रखो। ये बैंगल क्यों लेकर आई है? हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, तो किसी में मैच नहीं हो रहा है। मार्केट में एक छोटा सा बच्चा घूम रहा था, वो भाई का हाथ पकड़ के कहने लगा भाई ले लो, उन्होंने ऐसे ही कहा, तो भाई ने कहा अच्छा चल ले ले। फिर उसने 30 रुपए का सेट दे रहा था, कोई महंगे भी नहीं थे, बहुत सस्ते थे। सस्ते भाई ने उसे 100 रुपए दे के कहा ईद मना ले।
बस 100 रुपए, 10 रुपए की ईदी, मतलब कम से कम 150 तो दे देता। अरे तो खड़ा भी तो रहता, वो छोड़ो ना कोई ना। और ये कुर्ता लाया, ये क्या लाया? ईद के कपड़े तो आ गए थे आज भाई मार्केट में, ईद मनवा के आ रहे हैं लोगों की। मतलब मतलब ये भी उसके पास एक दो ही थे कुर्ते वाले के पास, दो ही थे। तो भाई ने कहा, उसने कहा भाई से ले लो भाई, ये वाला देखना अच्छा है, ऐसे कर करके। फिर तो उन्होंने ले लिया, भाई ने कह रहा अच्छा चलो दे दो, जाओ तुम भी घर जाओ। अरे वाह, बड़ा दानवीर करण हो रहा है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। नहीं अच्छी बात है, लोगों की हेल्प करनी चाहिए, खासकर जब जब आपका कोई नुकसान भी ना हो रहा हो और लोग भी खुश हो जाएं। और ये क्या लाई है? ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूं। मेरे लिए क्या है ये? हाँ, डस्टर, दिस इज कॉल्ड डस्टर। अच्छा, मिट्टू को जब तुम बिठालती हो ना बेड पे, तो फिर उसके उठने के बाद ऐसे 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 करके पूरी चादर साफ कर देनी है, बाल नहीं मिलना चाहिए, सारे बाल इसके अंदर आ जाएंगे। अच्छा, कैसे खुलेगा? अच्छा सही है यार, ये हो जाएगा तो इससे क्लीन हो जाएगा। चल अच्छी बात है, अगर हो जाएगा तो टेंशन फ्री हो जाएंगे, धूल वगैरह सब हो जाती है, सब कुछ क्लीन होगा। चलो तो बढ़िया है। तो भाई ये रही हमारी चांद रात की शॉपिंग, लास्ट मिनट शॉपिंग तो चलती ही रहती है। मेरा दुपट्टा मिल गया मुझे फाइनली, क्योंकि गुलशन ने जो ड्रेस मंगाई थी ना वो बिना दुपट्टे के आई थी। और ये बैंगल्स और ये एक और एक्स्ट्रा कुर्ता पजामा, चलो अच्छी बात है। इसका कलर अच्छा लग रहा है, सुबह को हसीन से बोलो यही पहन लेगा, वाइट वाला ना पहने। और मेहंदी ऑफ कोर्स, जिसे गुलशन लगाने के लिए मना कर रही है, पता नहीं हम क्या करेंगे। और अम्मी अम्मी यहाँ पर बादाम तोड़ रही हैं। पहले अम्मी ने इतना सारा नारियल ग्रेटेड किया, अब ये बादाम तोड़ रही हैं। वो वाले बादाम कहाँ हैं, बिना छिलके वाले? वो काट लिए। अरे 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 अरे, आराम से आराम से लाओ, मैं दांतों से तोड़ दूँ, मेरे दांत बहुत शार्प हैं। बादाम तोड़ती हूँ, ओ बादाम। दांत टूट गया मेरा, दांत टूट गया, बादाम तोड़ने में दांत टूट गया। ये देखो यार, दांत टूट गया अम्मी। अच्छा, और मना नहीं कर रही थी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फोन। अम्मी डायलॉग मारो, देखा तेरे दांत टूट गए इस फोन की वजह से, और फोन चलाओ। यार मेरा दांत ये टूट गया, जिसकी में एक कैविटी हो रही है मेरे एक दांत में, उसकी आरसीटी का चक्कर है कुछ, जो कि ईद के बाद मैंने कहा था मैं शुरू कराऊंगी, लेकिन मुझे लग रहा है मुझे तो ईद के दरमियान ही शुरू कराना पड़ेगा। यार कितना बड़ा टूटा है, देखो इसको, दिख रहा है यार, फोन के चक्कर में ऐसे टूटेगा, तोड़ दूंगी किसी दिन ये फोन। अरे पंखा चला दे, चला रही हूं। बाजी मेहंदी लगा रहे हो, क्या हुआ? गुलशन ने कहा वो नहीं लगाएगी मेहंदी, वो मम्मी मैं ठंडी मेहंदी लगा रही हूँ, तो मैं सोचती हूँ मैं खुद ही ट्राई करूँ, तो मैं मोबाइल में से देख कर डिज़ाइन लगा रही हूँ। वैसे अच्छी लग रही है, है ना? नाइस, अपना काम स्वयं करें, वो आत्मनिर्भर भारत। और इधर भाई अम्मी के लगा रहे हैं, दोनों बहन भाई बिल्कुल सेम पोजीशन में बैठे हैं। ये देखो भाई, यहाँ चाय बन रही है और सेहरी की तैयारी हो रही है। सेहरी खाएगी? ऐसा होता है कि सेहरी खाते खाते इस टाइम खाने की आदत पड़ जाती है, और खासकर जब जग रहे हों, तो मैं भी चाय तो पीऊँगी। तो सबके साथ ऐसा होता होगा यार, सेहरी खाते खाते ना इतनी आदत पड़ जाती है मिडनाइट में खाने की, कि दो तीन दिन एक हफ्ते तो ऐसा लगेगा, भूख भूख वाली फीलिंग आएगी। एंड सी, देखो यार मेरी मेहंदी लग गई फाइनली, मैंने लगा ली, इतनी अच्छी, इतनी क्लियर नहीं लगी है जितनी गुलशन लगाती है, बट यस ऑफ कोर्स आई एम श्योर कुछ तो अच्छी लगी है। अभी मैं इधर भी सोच रही हूँ सिर्फ एक गोल गोल टिकली रखूँगी, तो बताना मुझे कैसी लग रही है मेरी मेहंदी, मेरी मेहनत। मेरी माँ को अभी शॉपिंग की पड़ी हुई, और अम्मी अभी भी ऑनलाइन पता नहीं क्या सर्च कर रही हैं, शॉपिंग चल गया इनका दिमाग ऑनलाइन शॉपिंग कर करके लोगों का। और यहाँ बेचारी आयशा भी खुद ही अपनी मेहंदी लगा रही है, देखूँ दिखाओ। ओहो, हमें ये मेहनतें खुद ही करनी पड़ रही हैं, उसकी बजाय
कि हमारी गुलशन सो रही है। ये मैडम सो रही है, आग लगे चाहे बस्ती में, गुलशन तो सोएगी मस्ती में। गुलशन, क्योंकि गुलशन के सिर में दर्द है तो इसलिए वो जल्दी सो गई है। कोई बात नहीं, लेकिन उसके जल्दी सोने से और मेहंदी ना लगाने से हमें एक फ़ायदा हुआ है कि हमें अपनी कलाकारी दिखाने का मौका मिला। और मुझे एक्चुअली रिसेंटली रियलाइज़ हुआ है कि यार, मतलब कितनी टैलेंटेड हूँ मैं कि कुछ भी कर सकती हूँ। मैंने आज फर्स्ट टाइम मेहंदी ट्राई करी है और मैंने काफ़ी अच्छी लगाई है, क्लियर एकदम। मतलब काश मेरा तीसरा हाथ होता और मैं खुद अपना कंधा थपथपा देती, बट ऐसे भी कर सकते हैं ना हल्के से। सो भाई, टैलेंट तो मुझ में इतना है कि खुद की ज़िंदगी झंड हुई पड़ी है फिर भी लोगों को मोटिवेट कर रही हूँ। कम से कम रात को तो मुझे वीडियो सुकून से बनाने दे ना। ना अम्मा, आ रही होगी आवाज़ गोलू? इंसल्ट, खुली इंसल्ट गोलू, डबल इंसल्ट। एक लास्ट टाइम ट्राई करती हूँ, गोलू अभी बोलो। भारी इंसल्ट भाई साहब, भारी, कतई भारी इंसल्ट। इन्हें तो आप क्यों बोला भाई? गोलू, गोलू, ओ भाई बेइज्जती के भी बेइज्जती मार दी ना तो। आ रहे हैं मैडम भाई साहब, स्लो गोलू, गोलू। तो भाई ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, ये रही मेरी मेहंदी, देखकर बताना कि कैसी लग रही है। यार मुझे तो अच्छी लग रही है, मैंने मेहनत करी है तो अच्छी लगेगी मुझे। और बस मैंने आगे ये करा है, पीछे मैंने बहुत सारी मेहनत कर दी हाथ पे और एक ही हाथ पे लगाई है। तो व्लॉग में सॉरी वीडियो में देखकर बताना कमेंट्स में कि मेरी मेहंदी कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है या नहीं लग रही, और सब तारीफ भी कर देना। ओके, सो इसी के साथ मैं अपना ये व्लॉग ख़त्म करती हूँ। कपड़ों पर प्रेस हो गई है, सुबह की सारी तैयारी हो गई है, लेकिन वजीर में उठना है ईद की नमाज के लिए, जेंट्स को जाना है, तो भैया जल्दी जल्दी अब सोना भी पड़ेगा, थोड़ी बहुत देर सोना भी चाहिए। अगर सोएंगे नहीं तो सुबह को जल्दी उठेंगे कैसे सबको नमाज के लिए भेजने के लिए। तो इसके साथ ये चांद रात का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर ईद के व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड ऑफ कोर्स स्टे।